सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अब हम आगे चलते हैं। न्यमाणानं इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश चान्ते मकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्। ये पांच वर्णों को पढ़ करके आचार्य पाणिनि ने और इससे पूर्व वाले वर्णों को पढ़ करके फिर उसके बाद में इस सूत्र के अंत में क्या लगा दिया, इत संज्ञक मकार, और किसके लिए लगा दिया, प्रत्याहार बनाने के लिए। और उससे कितने ग्रहण होते हैं, कहते हैं तस्च ग्रहणम भवति चतुर्भिः अयं ञ इत्येतैः। इन चार वर्णों के साथ में प्रत्याहार बनता है। अब उदाहरण, अर्थात कितने प्रत्याहार बन गए, एक अम यम नम यम। देखिएगा सर्वप्रथम अम प्रत्याहार कहां है, पुमाह खयम परे, यह सूत्र है। इस सूत्र में जब हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खई और अम परे। तो जो अम है उससे हमको क्या बोध होगा, अ से लेकर के यहां तक के जितने भी वर्ण हैं वह अम शब्द से यहां पर कहे जा रहे हैं। आगे यम का प्रयोग देखते हैं, हलो यमाम यमी लोपह। तो यहां कहते हैं यम, तो इस सूत्र में दो बार यम प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है, एक यमाम और यमी, ये विभक्तंत प्रयोग है, तो यम यम ऐसा है वास्तव में। तो यहां पर यम कहने से हमको कितने वर्णों का बोध होगा, य से लेकर के माने य व र ल और ये वाले ञ म ङ ण न, इतने वर्णों का हमको बोध होगा। आगे नम प्रत्याहार, नमो ह्रस्वादची गमुण नित्यम। इस सूत्र में भी आचार्य पाणिनि ने गम प्रत्याहार का दो बार प्रयोग किया है, गमो माने गमह और गमुण गम। तो यहां गम कहने से हमको कितने वर्णों का बोध होगा, इसमें जो ङ पड़ा हुआ है और उस तो ङ ण न, तीन वर्णों का बोध हो गया हमको। इसी प्रकार से आगे यम, यह पाणिनि ने अपने दूसरे उपदेश जो उणादि पाठ है, उणादि के सूत्र है, उसमें प्रयोग किया है। तो क्या है, यमंता डह, अर्थात यम पड़ा हुआ है, तो यम से क्या बोध होगा कि ञ म ङ ण न, इन पांच वर्णों का बोध होगा। ये आपका प्रत्याहार सूत्र हुआ। अब कहते हैं झ भ ञ, झ भ इति द्वौ वर्णा उपदिश्य पूर्वांश चान्ते ञकारमितं करोति प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम्। कहते हैं झ भ इन दो वर्णों को पढ़ करके आचार्य पाणिनि ने और इससे पूर्व वाले जितने वर्ण हैं उनको रख करके इनके अंत में क्या लगा दिया, यह लगा दिया इत संज्ञक। तस्य ग्रहणम भवत्येकेन अतो दीर्घो यही इति यकारेण, और उससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, तस्य ग्रहणम भवत्येकेन अतो दीर्घो यही इति यकारेण, अर्थात यही के साथ यकार को मिलाकर के एक प्रत्याहार बनता है। तो यही
दिखा दिया, अतो दीर्घो यही। तो यही कहने से हमको कितने वर्णों का बोध होगा, य से लेकर के यहाँ तक जितने भी वर्ण हैं, तो य से लेकर के य व र ल ञ म ङ ण न और झ भ, इतने वर्णों का हमको बोध होगा। आइए घ ढ धश, घ ढ ध इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश चान्ते शकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति द्वाभ्याम झ भ इति एताभ्याम। कहते हैं घ ढ ध इन तीन वर्णों को पढ़ करके और इससे पूर्व वाले जो वर्ण है उनको मिलाकर के भी साथ में अंत में क्या रख दिया पाणिनि ने, श मूर्धन्य इत्संज्ञक, और उससे किसके लिए प्रत्याहार बनाने के लिए, और उससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, दो प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं जी, झश और भश, इनका आगे प्रयोग दिखाते हैं। एक ही सूत्र में आचार्य पाणिनि ने इनका प्रयोग कर दिया, एकाचो वशो भष झषंतस्य धोह। तो इसमें भष और झष ये दोनों प्रत्याहारों का ग्रहण है, तो हमको वहां झष और भष से बोध होगा कि झ भ घ ढ ध, और भष्य बोध होगा भ घ ढ ध, यह बोध होगा। आइए आगे ज ब ग ड दश, ज ब ग ड द इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश चान्ते शकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणं भवति षड्भिः। अ ह व झ ज ब इत्येतैः इन छह वर्णों से प्रत्याहार बनते हैं छह, इस श के साथ में, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो कहते हैं सबसे पहला प्रत्याहार अ के साथ में क्या बनेगा, अश भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी, तो वहां पर यह अशी ऐसा संधि विच्छेद करके तो अश पड़ा हुआ है वहां पर, तो अश से कितने वर्णों का बोध होगा, अ से लेकर के इस शकार से पूर्व जितने भी वर्ण पढ़े हैं उतने सभी वर्णों का बोध हो जाएगा। और कहते हैं हश प्रत्याहार बनता है हशी च, तो हश में क्या ग्रहण होगा, ह से लेकर के ह या व र ट लण ञ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इन सभी वर्णों का हश कहने से बोध होगा। आइए वश, एक वश बनता है नेड वशी कृति, अर्थात यहां वश पड़ा हुआ है तो वश से, तो वकार से लेकर के हयवर्ण सूत्र के वकार से लेकर के इस शकार तक जितने भी वर्ण हैं उनका इस प्रत्याहार से ग्रहण होगा। आगे कहते हैं झश जश, दो एक बार में ही दिखा देते हैं, एक ही सूत्र में इनका प्रयोग है, दोनों का एक साथ ही कर दिया है, झलाम जश झशी, तो दोनों का प्रयोग आ गया जश और झश, तो ज से लेकर के शतक जितने भी वर्ण हैं और झ से लेकर के शतक जितने भी वर्ण हैं उन दोनों का इसमें ग्रहण होगा। अब है बश, एकाचो वशो भश झषंतस्य धोह, तो यह सूत्र पहले भी आया था, इसमें पहले दो प्रत्याहार आ गए थे परंतु इसमें वश भी पड़ा हुआ है, एक ही सूत्र में पाणिनि आचार्य ने तीन प्रत्याहार पढ़ दिए, तो वश कहने से हमको ब से लेकर के श तक जितने भी वर्ण हैं उनका बोध होगा। वेरी इजी, आई थिंक नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, ओके। ख फ छ ठ थ च ट त,
खा फा छा ठा था चा टा ता इत्येतान वर्णान उपदिश्य अन्ते वकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्। इतने वर्णों को पढ़ करके अंत में आचार्य ने इत संज्ञक वकार को लगा दिया। किसके लिए? प्रत्याहार के लिए। तस्य ग्रहणं भवत्येकेन नश्छब्य प्रशान इति छकारेण। इतने वर्ण तो पढ़े परंतु प्रत्याहार केवल एक ही बना। कौन सा बना जी? छ के साथ में छव, छव प्रत्याहार बना एक। तो छब का ग्रहण किया है नश्छब्य प्रशान, तो वहां संधि विच्छेद करेंगे सूत्र का, नह छबि और अप्रशान। तो छबि विभक्तंत प्रयोग है तो विभक्ति हटा देंगे तो क्या बचा? छब। तो छब कहने से किन वर्णों का ग्रहण होगा? छ ठ थ च ट त, इतने वर्णों का हमको वहां बोध होगा। कपय कप इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वांश्चान्ते यकारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति पञ्चभिः या या मा झ ख च इत्येतैः। कहते हैं कप इन दो वर्णों को पढ़ करके आचार्य पाणिनि जी ने अंत में हल इत संज्ञक य रख दिया। किसके लिए? प्रत्याहार के लिए। और उससे कितने प्रत्याहार बनते हैं? पांच प्रत्याहार, फाइव। और कहते हैं नंबर वन यह, नंबर दो मय, नंबर थ्री झय, नंबर फोर खय, नंबर फाइव चय। इतने प्रत्याहारों का ग्रहण इस सूत्र से, इतने प्रत्याहारों का इस सूत्र से निर्माण होता है। कहते हैं यय अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। इस सूत्र में जो यई पड़ा हुआ है उससे हमको बोध होगा, य से लेकर के इस हलंत य तक के वर्णों का बोध होगा। आगे कहते हैं मय का, मय उन्यो वो वा, तो यहां मय प्रत्याहार है तो म से लेकर के इस संज्ञक यकार तक के सभी वर्णों का ग्रहण होगा। झय झयो होन्यतरस्याम, तो झ से लेकर के यहां तक के सभी वर्णों का ग्रहण होगा। खय पुमह खय्यम परे, तो वहां पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो खई अम परे, तो खय खय से खय प्रत्याहार है, खय प्रत्याहार से ख से लेकर के इस यकार तक जितने भी वर्ण हैं उन सब का हमको बोध होगा। चय दूसरा क्या है? ये जो प्रत्याहार है यह आचार्य ने, पाणिनि ने नहीं सोचा इस प्रत्याहार को। वास्तव में ये जो व्याख्याएं हम अभी पढ़ रहे हैं ये दूसरे लोगों की अभी आसपास के काल की हैं। पाणिनि के समय में, क्योंकि भाषा ऐसी चीज है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, शब्दशः तो कोई भी भाषा का नियमन नहीं कर सकता है, और करने लगेगा तो न जाने कितने युग बीत जाएंगे तो भी नहीं होगा। भाषा का सिद्धांत है, भाषा जब चलती है तो उसमें नए शब्दों का जोड़ संयोग होता रहता है। तो ये आचार्य पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त प्रत्याहार नहीं है। यह हमको कहां दिखता है? यह आचार्य कात्यायन के वार्तिकों में दिखता है, क्योंकि वार्तिक भी इसी व्याकरण से संबंधित हैं। तो हमको एक छह प्रत्याहार वार्तिक सूत्रों में जो दिखता है वो हमने यहां बना लिया है। वस्तुतः आचार्य पाणिनि के द्वारा कल्पित यह प्रत्याहार नहीं है, यह आचार्य कात्यायन ने अपने वार्तिक सूत्रों में इस प्रत्याहार का प्रयोग किया है। आचार्य पाणिनि के सूत्रों की पूर्ति करने के लिए, समझाने के लिए, इसलिए फिर अब हमको यहां से इस प्रत्याहार का निर्माण करना पड़ता है। वेरी इजी। नेक्स्ट सूत्र चयो द्वितीय शरी पौष्कर सादेहि। देखो वार्तिक लिखा हुआ है,
ये वार्तिक कहाँ पर है? आठवें अध्याय, अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के चौथे पाद के 47 सूत्र पर है। तो वहां पर चयोद्वितीय है, तो चय पड़ा हुआ है, चय से हमको क्या बोध होगा? च से लेकर के इस यकार तक के जितने भी वर्ण हैं उनका बोध होगा। आगे प्रत्याहार है, प्रत्याहार सूत्र पढ़ते हैं। श श सर, श श स इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश चान्ते रेफमितं करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणं भवति पञ्चभिः या झ ख च श इत्येतैः। आचार्य पाणिनि श श स इन तीन वर्णों को पढ़ करके अंत में इत संज्ञक रेफ को लगा देते हैं, किस लिए? प्रत्याहार के निर्माण के लिए। और उससे कितने प्रत्याहार बनते हैं? 5। कौन से? एक तो बनता है यर, एक बनता है झर, एक बनता है खर, एक बनता है चर, एक बनता है शर। आइए उनका प्रयोग भी देखते हैं, राइट। यर, यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरो नुनासिके नुनासिको वा। इस सूत्र में जो संधि विच्छेद करेंगे तो यरह, तो यर, तो यर से हमको या से लेकर के यहां तक के वर्णों का बोध होगा। झर, झरो झरी सवर्णे, तो यहां पर तो दो बार झर पड़ा हुआ है, तो झर से हमें झ से लेकर के झ भाज्य से झ से लेकर के इस रेफ तक के जितने भी वर्ण हैं उनका बोध होगा। खर, खरी च, तो वहां खर कहने से हमको ख से लेकर के यहां तक के वर्णों का बोध होगा रेफ तक के। चर, अभ्यासे चर्च, तो अभ्यासे चर छ ऐसा है, संधि विच्छेद कर देंगे, अलग कर देंगे, तो चर, तो चर से कितना का बोध होगा? च से लेकर के इस रेफ से पूर्व पूर्व के जो भी वर्ण हैं। शर वा शरी, इस सूत्र में आचार्य पाणिनि ने शर प्रत्याहार का प्रयोग किया है, तो शर से हमको कितने वर्णों का बोध होगा? श श स, ओनली 3, तो ये 3 का हुआ। अंतिम प्रत्याहार सूत्र हल, ह इति एकम वर्णम उपदिश्य पूर्वांश चान्ते लकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। इस सूत्र में ह को पढ़ करके और पूर्व के वर्णों को भी मिला करके इसके साथ में पूर्व में रख करके आचार्य पाणिनि अंत में लकार, इत संज्ञक लकार को रखते हैं, इसलिए प्रत्याहार निर्माण के लिए कहते हैं तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः आ ह व र झ श इत्येतैः। इससे हमको 6 प्रत्याहारों का ग्रहण होता है, 6 प्रत्याहार बनते हैं, इससे भी 6 बनते हैं। कहते हैं अल, अयुण का जो अलिया, और देखिएगा हल्का जो ललिया संज्ञक, अल कहने से अलो अंत्यात पूर्व उपधा, तो यहां जो संधि विच्छेद कर देंगे तो अलह अंत्यात ऐसा हो जाएगा, तो अल, अल से कहने से जितनी भी वर्णमाला है पूरी का ग्रहण हो गया। पाणिनि आचार्य ने अपने शास्त्र में अल कहीं कहा है तो उसका मतलब है सभी वर्ण। कितना अच्छा तरीका बताया। और कहते हैं हल, हलो अनंतरा संयोग, तो वहां हल हल पड़ा हुआ है, तो हल से सभी व्यंजन आ गए, स्वर अलग हो गए। वल, तो वल से व से लेकर के इस लकार तक जितने भी पड़े हैं लोपो व्योर वली, तो वल पड़ा हुआ है वहां। रल, रलो व्युपधात धलादेह संश, तो यहां रल पड़ा हुआ है, तो रल से रेफ से लेकर के इस ल तक जितने भी वर्ण हैं उनका ग्रहण हो गया। झल, झलो झली, एक ही सूत्र में दो बार झल का प्रयोग किया गया है, तो झ से लेकर के ल तक के वर्णों का ग्रहण हो गया। शल, तो शल इगुपधा दनिट क्ष, तो इसमें शल पड़ा हुआ है, शल से श श स और ह, इन 4 वर्णों का ग्रहण हो गया। तो ये प्रत्याहार सूत्र
हमने पढ़ लिए। आज वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए हम अभी यहीं पर विराम देने का प्रयास करते हैं, परंतु अभी प्रत्याहार की कुछ थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। उन बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शम।